इस्तग़फ़ार का एक और सीगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत मांगने का एक और सीगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। आप कहते थे, आप फरमाते थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली मा क़द्दमतु वमा अख़्खरतु वमा असररतु वमा अअलनतु वमा अंत अअलमु बिही मिन्नी अंत अल-मुक़द्दिमु व अंत अल-मुअख़्खिरु ला इलाहा इल्ला अंत। क्या मतलब? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली मा क़द्दमतु वमा अख़्खरतु, अल्लाह मेरे उन गुनाहों को भी माफ़ कर दे जो मैंने बहुत पहले किए हैं, वमा अख़्खरत उन गुनाहों को भी माफ़ कर दे जो मैंने बाद में किए हैं, वमा असररत उन गुनाहों को भी माफ़ कर दे मैंने छुपा कर किए हैं, वमा अअलनत उन गुनाहों को भी माफ़ कर दे जिन्हें मैंने लोगों की नज़रों के सामने किया है, वमा अंत अअलमु बिही मिन्नी और कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन्हें करके मैं भूल चुका हूं, मुझे याद नहीं, पर वो तेरे इल्म में है परवरदिगारा, मेरे इन सारे गुनाहों को भी माफ कर दे। अंतल मुकद्दिम व अंतल मुअख्खिर ला इलाहा इल्ला अंत, अगले पिछले सारे गुनाहों को तू ही माफ करने वाला है, ला इलाहा इल्ला अंत और तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तेरे सिवा कोई लायक इबादत नहीं। याद रखो, अल्लाह से मांगते हुए बार बार उसकी अस्मा और सिफात का हवाला देना चाहिए, उसकी वहदानियत का हवाला देना चाहिए। यही देखो दुआ खत्म हो रही है, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत, उसकी तौहीद, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफत वहदानियत के हवाले से अपने रब से जो है बख्शिश मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। और ये सब दुआएं प्यारे नबी मगफिरत की किया करते थे जबकि आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ और आप मासूम अनिल खता थे, और उसके बावजूद इस्तिग़फ़ार की मग़फ़िरत की इतनी दुआएं आपकी ज़िंदगी में, तो मुझ जैसे और आप जैसे गुनहगारों को आखिर सोचो कि कितनी दुआएं नहीं मांगनी होंगी और अपने रब से कितना इस्तिग़फ़ार नहीं करना होगा। इस्तिग़फ़ार के हवाले से आए हुए सीगे और इस्तिग़फ़ार के हवाले से आई हुई ये दुआएं अगर हम अपने गुनाहों के शोर के साथ, अपनी ख़ताओं के एहसास के साथ और अपनी गलतियों पर नदामत के साथ ये सब दुआएं पढ़ेंगे ना और ये सब दुआएं अल्लाह से मांगेंगे, ज़रूर रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे गुनाहों के धब्बों से पाक कर देगा, साफ़ कर देगा।